चलिए अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक दिवसीय दौरे पर हैं। अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर जनसभा को करेंगे संबोधित। असदुद्दीन ओवैसी का दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। आपको बता दें कि देहात कोतवाली के ओधरा गांव में कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने, असदुद्दीन ओवैसी का आज का क्या है शेड्यूल, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। आपको बता दें कि देहात कोतवाली के ओधरा गांव में उनका कार्यक्रम है और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक दिवसीय दौरे पर है सुल्तानपुर के। ब्रिजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ब्रिजेश, सुल्तानपुर के दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है? मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पे यूपी में दौरा कर रहे हैं। आज यहाँ सुल्तानपुर में 2 बजे वोदरा ग्राम सभा में कार्यक्रम लगा हुआ है। यहाँ पे मुस्लिम वोटरों को बटोरने के लिए, क्योंकि राजनीति जो है यूपी में, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी लोग जो है मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और लगातार ये देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ब्रिजेश, किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? आप क्योंकि फील्ड पर रहते हैं, जनता से आपकी बातचीत होती है, क्या माहौल यहाँ पर बन रहा है असदुद्दीन ओवैसी के लिए? हजारों की भीड़ जो है वोदरा ग्राम सभा में जो है भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पे जो भी समुदाय के जो नेता है वो लोग अपने अपने कार्यकर्ता को जो है इकट्ठा करके जो है उनका स्वागत करने के लिए तैयारी पूर्ण रूप से कर लिए हैं और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर मुलाकात करेंगे। ठीक है ब्रिजेश, आपको रोकना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.